अपने साथी। हेलो प्रोग्रामर्स, तो कैसा चल रहा है आपका कोर्स? सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेनी टू वन एनोटेशन का यूज़ करने वाले हैं बेसिकली, और यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल अप्रोच को अचीव करने वाले हैं। क्योंकि गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था वन टू मेनी एनोटेशन का यूज़ करते हुए, लेकिन गाइस यहाँ पे मैंने साथ ही साथ क्या किया था, मेनी टू वन एनोटेशन का भी यूज़ किया था। मतलब कि यहाँ पे मेनी टू वन के साथ एक्चुअली आपने साथ ही साथ बाई डायरेक्शनल अप्रोच देख लिया। मतलब कि अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये वन टू मेनी का क्या है, ये बाई डायरेक्शनल अप्रोच है, ठीक है। लेकिन इस साइड के एंड से देखोगे मेनी टू वन एनोटेशन यूज़ किया तो क्या है, मेनी टू वन के एंड पे ये बाई डायरेक्शनल अप्रोच है, तो बसता सिर्फ है यूनिडायरेक्शनल। मुझे पता है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, पहले प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देख लीजिए गाइस, वो कंपलसरी है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं एक्सप्लेन, ताकि आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तब आते हैं प्रैक्टिकल पे। सबसे पहले मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ। ओके, तो गाइस आपको जैसा कि पता होगा कि दो तरह के एसोसिएशन होते हैं, एक होता है हमारा यूनिडायरेक्शनल, राइट? ओके, यूनिडायरेक्शनल। ओके, ये मेरी हैंडराइटिंग काफ़ी गंदी है, ओके तो अवॉइड करिएगा, बायडायरेक्शनल। ओके, तो ये हो गया बायडायरेक्शनल। ओके गाइस, आपको पता होगा जब भी हम लोग वन टू वन एनोटेशन का यूज़ करते थे, यहाँ पे ये मत देखिएगा ओ स्मॉल है कैपिटल है, इसको अवॉइड करते हुए चलिएगा, बस ये समझिए कि वन टू वन एनोटेशन है। तो गाइस क्या होता था कि अगर एम्प्लॉय कंटेन करता था एड्रेस की इन्फॉर्मेशन और एड्रेस कंटेन करता था एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, मतलब दोनों साइड एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहे हैं और दोनों साइड हम वन टू वन एनोटेशन का यूज़ कर पा रहे थे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भाई यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल है। अभी नहीं समझ में आया, चलिए इसको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। मतलब कि एम्प्लॉय कंटेन करता है एड्रेस की इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे यूज़ करते हैं वन टू वन एनोटेशन, और जब एड्रेस कंटेन करता है एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे भी यूज़ करते हैं वन टू वन एनोटेशन, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये बायडायरेक्शनल बन गया। और एक साइड अगर सिर्फ यूज़ करते हैं वन टू वन तो वो कहलाता है यूनिडायरेक्शनल, राइट? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये यूनिडायरेक्शनल प्लस बायडायरेक्शनल दोनों होता है। अब गाइस बात करते हैं कि हम लोगों ने जैसे कि देख चुके हैं वन टू मेनी एनोटेशन, राइट? अब क्या होता है गाइस, वन टू मेनी एनोटेशन जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वाली वीडियो में भी देखा है, क्या होता था कि गाइस जब हम लोग एक एंड पे, वही सेम कॉन्सेप्ट है कि एम्प्लॉय कंटेन करेगा एड्रेस की इन्फॉर्मेशन और उस साइड हमने यूज कर लिया वन टू मेनी एनोटेशन, तो क्रिएट क्या करेगा, मतलब कि एड्रेस कुछ भी ना कंटेन करे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे कोई एनोटेशन की तो बात ही नहीं आएगी, ठीक है, कंटेन ही नहीं कर रहा, तो ये कहलाएगा यूनिडायरेक्शनल। तो मतलब कि ये हो गया यूनिडायरेक्शनल, राइट? और अब गाइस मान लो, इमेजिन करो कि एम्प्लॉय किसी भी तरह की एड्रेस की इन्फॉर्मेशन अभी कंटेन नहीं करता, लेट्स से कि ये कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये कंटेन नहीं करता है, राइट? एम्प्लॉय कंटेन नहीं कर रहा, एड्रेस कंटेन कर रहा है एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या है गाइस, अगर मेनी टू वन के एंड पे देखोगे तो ये कहलाएगा यूनिडायरेक्शनल अगेन। तो मतलब कि ये हो गया यूनिडायरेक्शनल, मेनी टू वन एनोटेशन, मेनी टू वन एनोटेशन, राइट? ये आपका हो गया यूनिडायरेक्शनल। अब आप पूछ रहे होगे कि यार मैंने लास्ट वीडियो में ये भी तो बताया, ओके जस्ट मिनट, थोड़ा सा ढंग से कर देता हूँ कि गाइस मैंने बोला था कि भाई हम लोग बायडायरेक्शनल भी तो अचीव कर चुके हैं वीडियो में, एग्जांपल करके भी अचीव किया, लेकिन गाइस वहाँ पे ध्यान से अगर बारीकी से आप देखोगे तो एग्जांपल क्या था कि मैंने अगर एम्प्लॉय के एंड से अभी देखते हैं तो हमने क्या किया था, यहाँ पे यूज़ किया था वन टू वन, और बायडायरेक्शनल बनाने के लिए फिर एड्रेस के एंड पे हमने यूज़ किया था मेनी टू वन, मतलब कि अपोजिट, मतलब कि सेम एनोटेशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। वन टू वन के केस में क्या है, सेम एनोटेशन यूज़ करते थे, लेकिन वन टू मेनी अगर आपने यहाँ पे यूज़ कर दिया है तो दूसरे एंड पे हमें मेनी टू वन यूज़ करना पड़ रहा था, तब हम बायडायरेक्शनल अप्रोच अचीव कर पा रहे थे, राइट? और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ मेनी टू वन के केस में, तो मेनी टू वन भी सेम एज इट इज वन टू मेनी की तरह ही काम करेगा। कि अभी देखो जैसे कि इस केस के अगर एग्जाम्पल देखो, ये सब कॉमेंट है, तो क्या है कि भाई एड्रेस कंटेन कर रहा है एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या हुआ, यूनिडायरेक्शनल हुआ। लेकिन अगर बायडायरेक्शनल बनाना है तो मेनी टू वन यहाँ पे यूज़ किया और वन टू मेनी यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो ये बन जाता बायडायरेक्शनल। मतलब कि कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि एक साइड अगर वन टू मेनी यूज़ करते हो, दूसरे साइड मेनी टू वन यूज़ कर सकते हो, या फिर यूँ कह लो कि मेनी टू वन एक साइड यूज़ करते हो या फिर दूसरी साइड वन टू मेनी यूज़ करते हो, तो मतलब कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं, दोनों का यूज़ करते हुए तब हम अचीव कर पाते हैं एक्चुअल बायडायरेक्शनल। साथ ही साथ ये समझिए कि वन टू मेनी दोनों साइड नहीं हो सकते, मेनी टू वन दोनों साइड बोथ साइड नहीं हो सकते, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग बेसिकली बायडायरेक्शनल अचीव करते हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या होता था, 1-to-1 दोनों साइड यूज कर पा रहे थे, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी लास्ट में ये बचता है इसके ऊपर, तो मैं प्रैक्टिकल वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ कि मेनी टू मेनी क्या होता है गाइस। तो मेनी टू मेनी बस जस्ट सिमिलर टू 1-to-1 होता है, तो ये भी यूनिडायरेक्शनल है, ये भी बायडायरेक्शनल है, दैट्स इट। यहाँ पे सिर्फ एक टर्म था जो कि आपको समझना था, यूनिडायरेक्शनल 1-to-many नहीं होता है, 1-to-many प्लस many-to-1 का कॉम्बिनेशन ही बायडायरेक्शनल बनता है, या फिर यूँ कह लो many-to-1 प्लस 1-to-many के कॉम्बिनेशन से बायडायरेक्शनल अचीव करते हैं। many-to-1 एक यूनिडायरेक्शनल है, 1-to-many एक यूनिडायरेक्शनल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रैक्टिकल की ओर आते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो गाइज करना क्या है, लेट्स से कि आपने many-to-1 को देख ही लिया है, जैसे कि लास्ट वीडियो में जो था वही है many-to-1, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ करके दिखा दिया था, ठीक है। जॉइन टेबल भी दिखा दिया, जॉइन कॉलम भी दिखा दिया, वही ये सिमिलर है, कुछ भी नया नहीं है, राइट। अब गाइस यहाँ पे करना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट इतना ही है कि अगर गाइस यहाँ पे हम लोग यूनिडायरेक्शनल अचीव करना चाहें मेनी टू वन के केस में, तो वही करना है कि आपको अपने एंड पे इधर जो है इम्प्लॉय कोई भी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन कंटेन ना करे, दैट्स इट। और यहाँ पे कोई भी 1-to-many का एनोटेशन यूज़ नहीं हुआ होगा, सिंपल सी बात है। तो अभी क्या कह सकते हैं कि भाई एड्रेस कंटेन कर रहा है एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या कहलाएगा, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। इस वजह से अगर मैं इसको रन करता हूँ तो एक थर्ड टेबल जनरेट होगी, राइट। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ गाइस, तो बेसिकली क्या इंटरनली ये ज्वाइन कॉलम यूज़ करेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि मेनी टू वन इंटरनली ज्वाइन कॉलम को यूज़ करता है, बल्कि 1-to-many इंटरनली ज्वाइन टेबल को यूज़ करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट होगा, बेसिकली ये दो टेबल क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो दो टेबल क्रिएट हुई, और ये एम पे आईडी अंडरस्कोर कंटेन करेगा एड्रेस, और एम्प्लॉय कंटेन करेगा एम्प्लॉय की जितनी भी फील्ड्स हैं। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, और इसी तरह से आप चाहो गाइस कि यहाँ पे ज्वाइन टेबल भी यूज़ कर सकते हो। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, आप इसको अनकमेंट करोगे और इसको रन करोगे तो एक थर्ड टेबल जनरेट होगी, और सेम एज इट इज़ वैसे ही काम करेगा, सिमिलर है, ओके। तो मुझे नहीं लगता कुछ भी नया है, चलिए मैं इसको इस थर्ड टेबल वाला भी करके दिखा दूँ। ये दो टेबल वाला था, ठीक है। तो ये मैंने किया ड्रॉप, ओके जस्ट मिनट, ड्रॉप एंड क्लोज ऑल, ठीक है। तो थर्ड टेबल वाला करके दिखा दे, अच्छा ये मैंने वो वाली टेबल गलती से डिलीट कर दी, अब डिलीट होगी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी इम्पॉर्टेंट उसमें नहीं था, राइट। तो सारी टेबल मैंने डिलीट कर दी, राइट, ओके। वापस आते हैं गाइस, अभी क्या करते हैं कि इसको मैं रन करता हूँ एंड अगेन आते हैं गाइस। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे तीन टेबल बननी चाहिए, एक थर्ड टेबल बनेगी, एक एम्प्लॉय, और इसके अंदर सेम रिकॉर्ड होगा, इसके अंदर भी सेम रिकॉर्ड होगा, मतलब सेम फील्ड्स होंगी, इसके अंदर एक्चुअली दोनों टेबल का प्राइमरी की होगा, राइट। तो ये हो गया बेसिकली आपका 1-to-many मेनी टू वन एनोटेशन का यू नो यूनिडायरेक्शनल अप्रोच, राइट। बायडायरेक्शनल बनाना है तो कुछ नहीं करना है, आपको एम्प्लॉय के एंड पे आना, इसको ऑन कमेंट कर लेना है सिंपली, दैट्स इट गाइस। इस वीडियो में इतना ही, इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।